हाय गाइस, तो यार आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कालू भाई का एक वॉकिंग ब्लॉग। ये मॉर्निंग वॉक का ब्लॉग है एंड बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि यार मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। अब सही है तो अब होपफुली डेली वीडियोस बनाऊंगा मैं। एंड बहुत सारे लोग आप में से मुझसे क्वेश्चन पूछते हो कि भैया जैकी कहाँ है, जैकी कहाँ है। तो भाई जैकी भैया ना आजकल बहुत व्यस्त चल रहे हैं क्योंकि आजकल चल रहा है मेटिंग सीजन और वो हमारे घर पर भैया बस मुँह दिखाने आते हैं दो तीन दिन में, बाकी वो फीमेल्स के पीछे पड़े रहते हैं। एंड मैं आपको दिखाता हूँ उनकी झलक। वो सुबह सुबह हम और कालू जब निकले थे ना तो हमें दिखे थे एंड उन्होंने जब हमें देखा तो वो एक मिनट के लिए हमारे पास आया और उसके एक दो मिनट बाद फिर से गायब, क्योंकि उन्होंने देखा कि भैया मेटिंग साल में एक दो बार होनी है, यहाँ से निकलो बाद में घूम लूँगा इन लोग के साथ। तो भाई जैकी भाई तो पूरी ज़िम्मेदारी से निकल गए, ये देखो उनका पूरा परिवार, ठीक है। तो जैकी भाई तो अपनी पूरी ज़िम्मेदारी से निकल के अपना कर्तव्य का पालन करने, क्योंकि उनने यही सोचा कि भाई मेटिंग एक ही बार करनी है, ठीक है, तो ये मौका हाथ से ना जाए। तो वो हमने और कालू ने भी कोई ज़्यादा फोर्स नहीं किया उनको, हम भी निकल गए अपने आगे वॉक पे। एंड ये वही जगह है यार गाइस जहाँ पर मैं ला के कालू को खुला छोड़ देता हूँ। एंड आज एक ना बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ हुई, आज पहली बार मैंने अपने एरिया में दो नए डॉग्स देखे, मतलब वो यहीं रहते होंगे बट क्योंकि हमारे घुमाने का टाइम ऊपर नीचे होता होगा तो कोइंसिडेंटली वो आज ही मुझे पहली बार मिले, इससे पहले नहीं मिले थे। तो हुआ कुछ ऐसा कि यार मैं तो जैसे स्टोन से खेलता हूँ वैसे ही खेल रहा था। आप तो सालों से मेरी वीडियोस अगर देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं ऐसे ही खेलता हूँ अपने डॉग्स के साथ। एंड कालू वैसे तो बहुत अच्छा है, मतलब ऑफ लीश बहुत अच्छे से सीख गया है, सब कुछ बहुत प्यारा है, देखो कितना बढ़िया पोज दे रहा है मेरा बच्चा, ठीक है, बहुत ही अच्छे से सब कुछ सीख गया। लेकिन है तो अभी 12 महीने का बच्चा ही ना, तो कभी कभी कालू में रिस्क होता है कि ही कैन शो एग्रेशन नए डॉग्स को देख के, स्पेशली क्योंकि वो मुझे लेके थोड़ा प्रोटेक्टिव है। एंड मेरे और छोटे डॉग्स को भी आपने देखा होगा कि वाइटी वगैरह जब होती हैं तो कालू बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है उन सब के लिए, ठीक है। कालू पैक लीडर है तो कालू काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है एंड 12 ही महीने का है तो अभी बच्चा ही, इसीलिए मैं थोड़ा सा ना वो रहता हूँ कि जब भी नए डॉग्स दिख जाते हैं मुझे एंड मुझे लगता है कि कालू अटैक कर देगा या कोई दिक्कत हो सकती है तो मैं कालू को हमेशा लीश में बांध लेता हूँ। एंड एक बहुत ही क्यूट हरकत हुई यार यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे स्टोन से खेल रहा था एंड मैं जब भी बोल रहा था ना कि कालू कम, तो पीछे से आवाज़ आ रही थी कालू कम, एंड मैं बोल रहा था कि कालू गो कैच, तो पीछे से आवाज़ आ रही थी कालू गो कैच। एंड मैं कह रहा हूँ यार ये आवाज़ कहाँ से इको हो रही है। एंड बगल वाले घर में मैंने देखा, अभी दिखाता हूँ, ऊपर छत पे एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा था सुबह सुबह जो मेरी सारी बातें रिपीट कर रहा था। एंड जब मैंने उसकी तरफ कैमरा किया वो अपनी छत पर छुप गया। खैर ऐसे प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस मिलते रहते हैं तो सुबह बन जाती है यार। देखो इसी घर पर वो, देखा ना आपने, वो छुपा ऊपर से, ठीक है, तो वही बहुत प्यारा बच्चा था। होपफुली कभी मिलेगा तो इससे मिलवाऊंगा आप सबको। एंड फिर मूविंग ऑन टू द वीडियो, मैं भावनाओं में थोड़ा बह गया। तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली गाइस 200 मीटर बचा होगा तब मुझे दिख गए थे वो भाई एंड उनके हाथ में दो डॉग्स थे। एक तो दूर से मुझे दिख रहा था लैब्राडोर टाइप एंड दूसरी वाली को मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था इतनी दूर से, क्योंकि उसका कलर बीगल टाइप दिख रहा था बट शी वॉज़ लुकिंग लाइक अ स्पिट्स, तो मेरे ख्याल से वो इंडियन स्पिट्स होगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बड़ी भी थी स्पिट्स से एंड एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल थी। एंड उसका नाम चेरी था ये मुझे पता है क्योंकि वो एग्रेसिव थी और वो जो ओनर भाई थे वो उसको चेरी नहीं कर रहे थे। तो सबसे पहला रिएक्शन मेरा यही था कि भाई क्योंकि मुझे वो डॉग दिख गए हैं तो सबसे पहले कालू को लीश में बांध लेता हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कालू क्या करेगा। देखो वो एंड में थे, ठीक है, अगर आपको नहीं दिखे तो दिखाएंगे अभी। एंड लीश में बांधने के बाद क्या रिएक्शन हुआ ना ये मैं आपको रॉ दिखाता हूँ। चलो आप लोग रॉ देखो कि कालू को जब मैंने लीश में बांधा तो उसके बाद कालू का उनको लेके क्या रिएक्शन था एंड उन डॉग्स का कालू को लेके क्या रिएक्शन था। चलो आप लोग एंजॉय करो वीडियो। चलो ये भाई चलो ये भाई बस 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 ये काटेंगे तो नहीं मिलवा दूं। गुड बॉय चलो आ जाओ गुड बॉय चलो चले आओ चलो 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 आजा आजा। तो भाई मैंने जब देखा कि वो लोग चले गए तो मैंने कहा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद कालू भाई को फिर से खोल देते हैं। एंड वो चेरी तो यार इतनी खूबसूरत थी सामने से गाइस, बहुत प्यारी थी, ठीक है। तो जो लैब्राडोर था
उससे तो कालू की दोस्ती हो गई थी, दोनों लोग गले मिल रहे थे कि और भाई बताओ क्या यहीं पास में ही रहते हो, अच्छा पहली बार दिखे भाई, अच्छा इसी रास्ते से जाते हो। लेकिन वो जो चेरी थी ना वो एकदम वैसी थी कि अबे शाले अभी अगर मालिक ने खोल दिया ना तो अपुन यहीं गिरा के मारेंगे तेरे को। और कालू भी यार उस पर थोड़ा सा चिढ़ रहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अपुन भी कुंगफू उंगफू जानता है क्या, अपुन भी अगर खोला ना तो बहुत मारेगा। एंड जैसे ही वो थोड़ा दूर चले गए तो मैंने अपने कालू को खोला एंड ये खुशी देख रहे हो मेरे बच्चे की, दौड़ भाग रहा है एकदम, ठीक है। तो गाइस एक बहुत स्ट्रेंज चीज़ हुई यार, उस दिन भी हुई थी अगर आपको याद हो तो, कि जब मैं टहला रहा था इसी वाले पाथ पे कालू और वाइटी को, तो आपको याद होगा कि दो तीन बर्ड्स मरी हुई पड़ी थी एंड उनमें एक चीज़ कॉमन थी कि उनका फेस नहीं था। बट वैसी ही सेम एक बर्ड आज भी कालू ने ढूंढी, ये देखो ये सूंघ रहा था, स्निफ कर रहा था इसको, तो मैंने देखा कि यार ये है क्या, तो देखा बर्ड है, एक कबूतर वबूतर कुछ है एंड इसकी गर्दन नहीं है। एंड मैं यही सोच रहा था कि यार अगर कोई जानवर खाएगा तो पूरा खा जाएगा, सिर्फ गर्दन तो नहीं खाएगा, एंड ये ऐसी कोई बीमारी भी नहीं है जिसमें ये ऐसे ही मतलब मर जाए एंड गर्दन वर्दन अलग हो जाए, ऐसी तो कोई बीमारी भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से ना ये कुछ काला जादू वादू वाला सीन है एंड कोई यहाँ पे स्पेसिफिकली इस जगह पे कुछ करके डालता है, पता नहीं क्यों क्या नहीं, भगवान जाने क्या ही मैं बोलूँ यार। खैर आगे आपको दिख रहे होंगे चेरी और वो ब्लैक लैब्राडोर अभी भी खड़े थे, तो मैंने कालू को बुला लिया, तो कालू तुरंत दौड़ के आ गया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। तो मुझे लगा कि यार अभी उधर जाना सही नहीं है क्योंकि उन लोग को जाने देते हैं, जब वो चले जाएंगे तभी जाएंगे, वरना हो सकता है लड़ाई हो जाए, क्योंकि कालू लैब पे तो ट्रस्ट कर रहा था लेकिन चेरी में तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर रहा था, और मुझे भी कालू पे ट्रस्ट नहीं था अभी कि अगर चेरी कुछ ज़्यादा दिक्कत करेगी तो ये लड़बड़ जाएगा। बट फिर मुझे ये समझ में आया कि यार वो और मैं तो एक दूसरे को क्रॉस करके गए ना प्रात से एक दूसरे के, तो वो एक्चुअली में मेरे घर की तरफ खड़े हैं और मैं एक्चुअली में उनके घर की तरफ खड़ा हूँ, तो अगर हम लोगों को घर वापस जाना है तो हम दोनों को फिर से एक दूसरे के सामने से जाना ही जाना होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है भैया, कालू भैया बैठो, कालू प्यार से बैठ गया। मैंने कहा ओके चलो लीश बांधते हैं, चलते हैं उस तरफ क्योंकि खुला जाना उधर इज नॉट सेफ। तो मैंने कालू भाई के फिर से लीश बांधी एंड फिर कहा चलो देखते हैं, लेते हैं भैया रिस्क, और क्या ही कर सकते हैं, उधर से जब जाना ही है तो चलते हैं। एंड कालू को यही समझाया कि बेटा लड़ना नहीं एंड फिर उसके बाद आप आगे देखो कि क्या हुआ। तो फिर भाई मैं कालू चल दिए चेरी और उस लैब की तरफ एंड मतलब चेरी तो दूर से ही भौंकने लगी क्योंकि उसको दिखा कि अरे ये काले कलर का लौंडा फिर से आ रहा है, अभी बताती हूँ इसको। एंड कालू को देखो, यहाँ पे कालू भी थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ था। वैसे पहले मैं सोच रहा था कि आपको ये जो सेक्शन है इसकी रॉ जो आवाज़ है वो सुनाऊंगा, बट इसमें क्या हुआ ना, ये जो लैब वाला था ये भी भौंकने लगा था एंड कालू भी भौंकने लगा, फिर वो चेरी तो भौंकी रही थी कंटिन्यूस एंड जो उनके ओनर थे वो भी चेरी को मतलब कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा शांत कर रहे थे, मैं भी कालू को थोड़ा शांत कर रहा था, वो लैब को भी शांत कर रहे थे, तो इतनी ज़्यादा आवाज़ें थी कि आपको शायद उतना मज़ा नहीं आता। फिर थोड़ी देर पता नहीं कैसे हम लोगों ने अपने डॉग्स को साथ टहलाया एंड फिर उसके बाद ये देख रहे हो यहाँ पर दिक्कत होते होते बची, कालू एकदम मतलब कन्फ्रंट करने के लिए तैयार हो रहा था उसको, बट फिर थोड़ी सी डांट और थोड़े से प्यार से धीरे धीरे करके मामला जैसे तैसे संभल गया। एंड वो छोटी भी थी तो कालू थोड़ी देर बाद ना उसको इग्नोर करने लग गया था, कैसे ठीक है कुछ नहीं कर पाए हो हमार, कुछ नहीं कर पाए हो, यस निकल जाए अब तुम्हारे आगे से, कुछ ना कर पाए हो। खैर फिर मैंने जैसे ही देखा हम थोड़ा सा आगे बढ़े, कालू थोड़ा सा प्लेफुल मूड में हुआ तो मैंने उसको फिर से ऑफ लीश छोड़ दिया एंड इस बार उसके कॉलर से नहीं खोली थी लीश, ताकि अगर वो गलती से उन डॉग्स की तरफ जाएगा तो मैं पैर रख के उसको रोक लूँगा। एंड ये देख रहे हो लीश को कैसे बार बार देख रहा है, ए मालिक क्या डाल दियो हमारे ऊपर, ये 10 किलो की रस्सी है यार, इसको हटाओ यार, चलने में दिक्कत हो रहा है मालिक, हटाओ इसको यार, ये क्या कर रहे हो मालिक। तो फिर मैंने जब थोड़ा सा दूर आ गया था मैंने कहा चलो ठीक है अब कोई भी चांस नहीं है अटैक का, तो मैंने कहा चलो भैया मैं ही पकड़ लेता हूँ, साथ साथ चलो। एंड हम और कालू भाई अब फिर चल दिए घर की तरफ एंड हमारी जो आज की जर्नी थी वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई।
तो गाइस आज बहुत दिनों बाद एक एडिटेड वीडियो बनाई मैंने, तो अगर आपने यहाँ तक ये पूरी वीडियो देखी तो थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। महाशिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत भैया बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपने पूरी देखी तो भी प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपने ये वीडियो पूरी देखी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भी प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। एंड थैंक यू सो मच फिर से एक बार, लव यू सो मच। अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखते हो तो इतनी लंबी वीडियो पता नहीं कैसे आप झेल लेते हो, ठीक है। एंड होपफुली मैं कल एक और वीडियो लेके आऊँगा, कोशिश करेंगे फिर से किसी और नए एरिया में जाएंगे, नए डॉग से मिलेंगे। एंड बाय, अभी फ़िलहाल के लिए गाइस ये छोटी सी वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। कल मिलेंगे फिर इसी वक्त एक और नई बहुत खूबसूरत सी बहुत प्यारी वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।